जैसे ही आपको फेमिना भोजपुरी अवार्ड शो में आपको बुलावा आता है आप उसी अश्लील भोजपुरी इंडस्ट्री जिसको आप थूकती थे थूकते थे उसी को आप लोग बुरा मत मानिए चाटने चले गए अश्लीलता है क्यों है हमेशा अश्लीलता एक टीआरपी वाला शब्द है ठीक है अश्लीलता मतलब टीआरपी और इस लोगों ने ऐसे भुनाया इस शब्द को अपने आप को अंदर देखिए ये असम की कल्पना से ये सवाल की जवाब की उम्मीद मत रखिए आसाम की कल्पना को हम लोग नहीं जानते हम लोग जानते हैं भोजपुरी की माटी की बिटिया कल्पना जाने के? या नहीं जाने सच्चाई यही है कि कल्पना पटवारी आसाम से है मेल सिंगर और फीमेल सिंगर की जो बातचीत है कभी कभी पॉन्ड जैसा लगता है आप जरूर उन लोगों से पूछिए जो इंडस्ट्री में तब थे धनंजय मिश्रा ओम झा घुंगी प्यारे लाल जी राजेश रजनी जी सबको आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है तो आपकी भी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है तो उसके विषय में चर्चा करना क्योंकि हर कोई तो जिंदा हमेशा नहीं रहेगा तो मौत तो निश्चित है भोजपुरी से अभी आप इतनी दूर क्यों हैं? रीजन क्या है इनको अश्लीलता का जवाब नहीं मिला अब तक बहुत तो शर्म की बात है ये। आप मानती है कि भोजपुरी में अश्लीलता है मेरे मानने से क्या होता मैं आसम से आई हूँ आप कहा तक इसको लेके जा पाते हैं पीछे खोजिए इसका जड़ कहाँ है आप सवाल कीजिए अपने पूर्वजों से कि दादाजी नाना जी ये जो हमारे शादी विवाह में ना, ना, कोठे से और नाच जो होता था जो बायजी लोगों को बुलाया जाता है ये कब से चल रहा है बस भर भर के लोग बहुत दूर दूर से मुझे सुनने आए हैं लाठी चार्ज हो रहा है और पुलिस के मार खा रहे फिर भी रो रो के मेरे पास आ, कोई कोई बंदा आ रहा है कि एक बार ये करना है चरण दो हजार तेईस की भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री को में कितना अश्लीलता का जंग लग चुकी है यह तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है 114 15 साल के हैं उनको पद्मश्री जरूर मिलना चाहिए कल्पना नहीं कल्पना को मिलेगा कल्पना को अगर काम काम में दम होगा 10 साल बाद भी मिल सकता है नमस्कार जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है चर्चा में और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक ऐसी दिग्गज हस्ती हैं जिनका मैं खुद एक बहुत बड़ा फैन हूं और इन्हें देख के आप मेरे बिना बताए ही पहचान जाएंगे मैं इनको क्या बताऊं कि इनका क्या नाम है अगर इनका मैं परिचय देता हूं तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है इसलिए बता देता हूं भोजपुरी का मान है ये भोजपुरी का सम्मान है और ये एकांगी नहीं बल्कि सर्वांगी हैं एक लैंग्वेज में नहीं गाती हैं अगर मैं नाम लूँ तो उंगलियाँ कम पड़ जाएंगी मुझे लगता है कि लगभग सभी लैंग्वेज में गाती हैं और इनके गाने चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे महिलाएं हों चाहे जवान हो, हर कैटेगरी के हर टाइप के गाने आए हैं और इन्होंने मात्र भोजपुरी में ही नहीं बॉलीवुड में भी अपनी आवाज़ का डंका बजाया है ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग काफ़ी उत्सुक हो रहे होंगे कि कौन है हमारे साथ तो आइए मिलवाता हूं इनका सरनेम तो नहीं बता सकता मैं क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है इन्हें मैं प्यार से दीदी कहता हूं हमारे साथ हैं कल्पना दीदी तो आइए चर्चा करते हैं नमस्कार आपका नमश्कार, स्वागत नमश्कार, है नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत तरीके से आपने इतने प्यार भरी बातें हमारे लिए कही उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप जो थी बीस साल हो गया आपको इस इंडस्ट्री में जैसा कि मुझे पता है मैंने आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की इंटरव्यू से पहले भोजपुरी से अभी आप इतनी दूर क्यों है रीजन क्या है नहीं जी गलत बात है भोजपुरी से मैं दूर नहीं हूँ एक्चुअली uh, कोई भी भाषा अपने आप में इतने uh, बहुत कुछ uh, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता कि जैसे मान लीजिए मैं जन्मगत रूप से असमिया असमिया हूँ असम से हूँ और असमिया जो संस्कृति है असमिया जो समाज है उसमें अगर झाँक के आप डीप डाइव करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मूल समाज जो असमिया है उसको छोड़ के बोडो समाज है देवरी समाज है आ, मिसिंग समाज है सोनोवाल समाज है मतलब अंदर डीप डाउन बहुत कुछ रहता है उसका जड़ बहुत अंदर तक होता है तो और उसमें अगर बोलूं कि आप बोल देंगे कि मैं भोजपुरी में क्यों नहीं हूँ असमिया में क्यों नहीं हूँ नहीं आपका उस वहाँ उस एक भाषा की एक सब मतलब संस्कार की डायनेमिक्स डायमेंशन नॉट डायनेमिक्स डायमेंशन इतने अलग अलग होते हैं आप किस नज़र से उसको देख रहे है? हर नज़र से ही कुछ ना में कुछ मिल जाएगा आपको तो मैं समझती हूँ भोजपुरी की खासकर दो हज़ार से मैं आप बोलिए सत्य है कि जो अब का जो बाजार है इंडस्ट्री है उससे मैं दूर हटी ये सच है जानबूझ के मैं 2011 जनवरी फर्स्ट से दूर हटी और वो एक सोचा समझा मेरा एक था मन में कि अब से मैं आ, इन इन शब्दों को नहीं गाऊंगी या मुझे ऐसा लगा कि एक एज के चलते भी होता है ना तो खासकर आप देखिए शर्मिला टैगोर जी शर्मिला टैगोर मतलब अब जब उनके पहनावा आप देखेंगे एक रॉयल जो वो साड़ी को जिस तरह से वो उनके जो एक लेके अपने आप को चलती है लेकिन ये वही शर्मिला टैगोर जी है जो अपना हमारे आप, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जब बिकिनी पहनने की बात आई थी तो उन्होंने खुद बोला था उनका वो उम्र था शायद बीस अठारह साल की उम्र थी उन्होंने कहा था शायद शक्ति जी से कोई फिल्म में कि मैं टू पीस पहनना चाहती हूँ अब भोजपुरी ने बहुत दे दिया मुझे तो अब मेरा ये समय है मैं क्या दे के जा पाऊं क्योंकि हर कोई तो जिंदा हमेशा नहीं रहेगा तो मौत तो निश्चित है तो उससे पहले मैं अपने को क्या जवाब दूं कि मैंने मुझे इतना कुछ दिया मैं जब मैं और मेरे हस्बैं परवेजी हम लोग तो दो हज़ार एक में असम से निकले थे गुवाहाटी से और बॉम्बे में कोई नहीं था हमारा फिर भी हम लोगों ने ट्रेन में बैठ के स्लीपर क्लास में हम लोग चले गए एक छोटा सा कमरे का जो किराया है अट्ठाईस सौ था तब उसको कलेक्ट करने में इतना मुश्किल हो रहा था डेली का हम लोगों का बजट हम लोग बहुत मतलब कदम कदम पे हम लोगों ने संघर्ष किया एक साल और उसके बाद अचानक से प्रभु मैंने मैं बाबा बैद्यनाथ धाम जी को ख़ास इसमें ये रखती हूँ जहाँ तक भोजपुरी संगीत की बात है और आपने इतना कुछ दिया भोजपुरी समाज ने इतना कुछ दिया जनता ने इतना प्यार दिया मैंने बोला ना अचानक से मुझे अभी भी वो बोकारो का मंच मुझे याद है जब आ, मैं तो गुवाहाटी से निकली एक साधारण सी आ, आ, कल्पना और बोकारो में धनबाद में मैं जब आ, मैंने देखा कि बस भर भर के लोग बहुत दूर दूर से मुझे सुनने आए हैं लाठी चार्ज हो रहा है और पुलिस के मार खा रहे फिर भी रो रो के मेरे पास आ, कोई कोई बंदा आ रहा है कि एक बार ये करना है चरण स्पर्श उस वक्त ना समय अभी बोलते हैं मुझे कैसा मुझे याद आ गया तो उस वक्त प्रभु ने आपको एक्चुअली एक समय आपको दिया दिखाया कि तुम मेरी खास बच्ची हो कल्पना प्रभु ने दिया और उस समय लेकिन बहुत कुछ होता है वो जो समय के दौरान हमको हमारे में अहंकार आता है ईगो आता है कि मैं स्टार हूँ वो सब भी आया मैं ये नहीं बोलूंगी वो सब आया लेकिन आते आते मैं गिरते गिरते मैं लेकिन खुद को संभाली हूं मैं जानती हूं कि शेयर स्टॉक मार्केट जैसा ऊपर जाता है समय नीचे आता है फिर ऊपर जाएगा तो आ, ये बात याद रखना जरूरी होता है और मैंने मैंने हमेशा इसको लेके मैं चलने के प्रयास कर रही हूँ तो अब भोजपुरी के लिए क्या करते जाऊं तो मैंने जितना समझा मैंने महेंद्र मिश्र जी को पूर्वी गायन को समझा मैंने भिखारी ठाकुर जी की रचनाओं को इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने समाज को परिवर्तन के लिए वो नर्तक मंडली रचना की उनका नियत को देखिए इंटेंशन कि नियत ये नहीं है कि मैं ये लिख के समाज में प्रसिद्ध हो जाऊँ और लाख लाख रुपया कमाऊँ नियत उनका था कि कलकत्ता बंगाल गए थे नाई समाज का एक साधारण सा बंदा और उन्होंने देखा कि राजा राममोहन राय विवेकानंद स्वामी विवेकानंद तो नवजागरण जागरण की जो लहर है वो पूरे भारत वर्ष में है मेरा छपरा का समाज में क्या हो रहा है ये कुसंस्कार कुतुबपुर में क्या हो रहा है और उस नाते उन्होंने सोचा कि एंटरटेनमेंट से बढ़कर कुछ शक्तिशाली एक आ, तूल है और उन्होंने उस, कल्चरल टूल से मंडली रचना करके बहुत कुछ किया और मैं असम से होने के नाते मैं भूपेन हजारिका जी के बहुत समक्ष पाती हूँ भिखारी ठाकुर जी को अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं नहीं गाना चाहती थी इसलिए मेरा स्वतः खुद का डिसीजन था कि इस भोजपुर इंडस्ट्री से थोड़ा मैं हटी कुछ शब्द का मतलब अश्लीलता हम यहाँ पे समझें देखिए अश्लीलता भी वो शब्द है जो मुझे असम में कभी मुझे मेरे सामने आया ही नहीं जब मैं मुंबई गई तब भी आया नहीं लेकिन जब मैं आपके समक्ष आई जब भोजपुरी गायिका में तब्दील हुई तब मैं दो सवाल हमेशा से बीस साल से सुनती आ रही हूँ एक तो कि इस बोली को भाषा की दर्जा प्राप्ति कब होगी आठवीं सूची में कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी कब जाएगी क्वेश्चन मार्क और अश्लीलता है क्यों है हमेशा अश्लीलता एक टीआरपी वाला शब्द है ठीक है अश्लीलता मतलब टीआरपी और लोगों ने ऐसे भुनाया इस शब्द को और बड़े बड़े जो मतलब बड़े बड़े जो गायक गायिका आर्टिस्ट है इस भोजपुरी समाज के उन लोगों ने सबसे ज्यादा भुनाया अपने पक्ष में अपने आपको दिन साबित करने के लिए सामने रात तो चाहिए अगर रात नहीं होगा आपको आप लोग दिन कैसे साबित करेंगे तो रात के जगह पे लाया गया अश्लीलता तो ये ये क्या शब्द है मुझसे बेहतर आप खुद शायद प्रयागराज से प्रॉपर भोजपुरी तो इलाका नहीं है पूर्वांचल हाँ लेकिन फिर भी आप उत्तर प्रदेश से तो है तो मैं समझती हूँ ये शब्द के डीप तक आप लोगों को सबको जाना चाहिए क्यों अब तक क्वेश्चन के रूप में है ये पूरे उत्तर मतलब आप उत्तर पूर्वांचल नहीं पूर्वांचल ये पूरे पूर्वांचल जो की पॉलिटिक्स में इतने हमेशा देश की पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाते हैं इनको अश्लीलता का जवाब नहीं मिला अब तक बहुत तो शर्म की बात है ये आप मानती है कि भोजपुरी में अश्लीलता है मेरे मानने से क्या होता है मैं असम से आई हूँ आप कहाँ तक इसको लेके जा पाते हैं पीछे खोजिए इसका जड़ कहाँ है आप सवाल कीजिए अपने पूर्वजों से कि दादाजी नाना जी ये जो हमारे शादी विवाह में ना, ना, कोठे से और नाच जो होता था जो बाईजी लोगों को बुलाया जाता ये कब से चल रहा है उन लोगों को पूछिए वो लोग जरूर जवाब देंगे तो आपका कहने का मतलब है कि अश्लीलता आज से नहीं हमारे पूर्वजों के समय से ही चली मैं कमेंट देने के लिए कोई नहीं हो ये मैं को मैं मैं जो बोल रही हूँ मैं समझती हूँ मैं फैक्चुअल बात ही बोल रही हूँ तो और इतिहास इसका जवाब देगा आप लोग जरूर आप लोगों को ढूंढना चाहिए यहाँ के लोगों को यहाँ के कलाकारों को ज़रूर ढूंढना चाहिए ना कि ये होना चाहिए कि अश्लीलता अश्लीलता को अब भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील है आप बोल तो रहे हैं तब तक बोल रहे हैं जब तक आपको उस फिल्मी गायन में आपको मौका नहीं मिला है जैसे ही आपको फेमिना भोजपुरी अवार्ड शो में आपको बुलावा आता है आप उसी अश्लील भोजपुरी इंडस्ट्री जिसको आप थी, थुकते थे थूकते थे उसी को आप लोग बुरा मत मानिए चाटने चले गए तो ये जो दोहरापन है आप लोगों का तो अपने आप को अंदर देखिए ये आसाम की कल्पना से ये सवाल की जवाब की उम्मीद मत रखिए आसाम की कल्पना को हम लोग नहीं जानते हम लोग जानते हैं भोजपुरी की माटी की बिटिया कल्पना जाने या नहीं जाने सच्चाई यही है कि कल्पना पटवारी आसाम से है आप जाने तो नहीं जानते जो जानने का प्रयास जरूर कीजिए <laughs> आखिर भोजपुरी में आप एक बहुत बड़ा नाम माना जाती हैं छठ का पर्व इतना बड़ा होता है अगर आपकी आवाज आपके गाने ना बजे तो ऐसा लगता है कि छठ पर्व हुआ ही नहीं है होली होता है आपका अगर होली का गाना ना बजे लगता है कि होली हुई ही नहीं है तो आपकी भी कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है तो उसके विषय में चर्चा करना बात को उठाना या आपका भी तो कुछ फर्ज है ये वही तो दो से मैंने जो डिसीजन लिया निर्णय लिया मैं आपको बदल नहीं सकती ना सुनने वालों को बदल नहीं सकती अब की दो दो हजार तेईस की भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री को में कितना अश्लीलता का जंग लग चुकी है ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है नहीं। अब की बात कर रही हूं मैं कल्पना की 2005 वाली ससुरा बड़ा ऐसे वाला को छोड़ दीजिए मैं अब की बात कर रही हजार 2023 तो मुझे बोलने की तो जरूरत नहीं है क्या क्या हो रहा है और एक तरह से मेल सिंगर और फीमेल सिंगर की जो बातचीत है कभी कभी पॉन्ड टॉक जैसा लगता है आप मुझसे ज्यादा आप लोग आप लोग जानते हैं इस बात को तो मैंने यही निर्णय लिया आपने जो बोला नैतिक जिम्मेदारी मैंने निर्णय ही लिया कि मैं खुद और सर देखिए पड़ाव में एक एक ऊंचे पड़ाव में मैंने ये निर्णय लिया ऐसा नहीं कि मेरा द, मतलब डाउन गया मेरा नाम कम होने लगा हाँ, मतलब मैं चरम पे हूँ उस वक्त मुंबई में एक एक गीत के लिए पैसा वापस करने में लिए दम लगता है, हुँ। हुँ। लगता है है आप जरूर उन लोगों से पूछिए जो इंडस्ट्री में तब थे धनंजय मिश्रा ओम झा घुंग जी प्यारे लाल जी राजेश रजनीश जी सबको आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ है स्टूडियो में माहौल ऐसा हो जाता था कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है मैं उन लोगों को ना परेशान करने लगे बेचारे परेशान होकर लास्ट में मुझे नहीं कल्पना जी ऐसे शुद्ध नहीं किया जाएगा ये ऐसा है क्या क्या समझाने लगे बेचारे लेकिन सब लोग चाहते थे कि मैं गाऊ लेकिन कभी कभी ये भी हुआ उस दौरान 2011 से 20 तक वो ये भी हुआ जो नहीं गाना चाहिए मुझे कभी कभी गलती में वो भी गा ली हूं और कभी कभी जो एकदम बहुत अच्छा सा मीनिंग था गलत समझ के उसको भी नहीं गाई हूं मतलब बोलने का मतलब समझ क्योंकि ना समझने की वजह से ऐसा हुआ लेकिन मैं फिर भी अब बात वही करूंगी इंसान का नियत इंटेंशन बहुत मायने रखता है भिखारी ठाकुर जी ने समाज परिवर्तन के लिए ही नियत से वो कला के क्षेत्र में आए मेरी नियत यही था कि मैं अब नहीं गाना चाहती तो किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं है मेरे अंदर की जो नियत है वो नियत उनको पता है और उस पर चलने की कोशिश किया और उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर मैं भिखारी ठाकुर जी तक पहुंची और मुझे लगा इंटरनेट में मैंने तब धूंधा टू थाउजेंड की बात कर रही हूं इंटरनेट में तब भिखारी ठाकुर के नाम से कुछ नहीं था मुझे कुछ नहीं मिला तो फिजिकली मैं आरा गई छपरा गई कुतुबपुर गई और बखोरापुर नामक एक गांव में मुझे आ, आ, एक, एक हंड्रेड उम्र के एक ऐसे नर्तक मिलते हैं जो कि भिखारी जी की रचनाओं को गा रहे थे रामाज्ञा राम जी और वो अभी भी जीवित है और मैं समझती हूं एक सौ चौदह पंद्रह साल के हैं उनको पद्मश्री जरूर मिलना चाहिए कल्पना नहीं, नहीं। कल्पना को मिलेगा कल्पना को या अगर काम काम में दम होगा दस साल बाद भी मिल सकता है तो वो भी एक सर्टिफिकेशन है और उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन मैं समझती हूँ हम हमारे जैसे आर्टिस्ट से पहले एक्चुअली आ, वो गुमनामी है मतलब 115 साल की उम्र में कोई अगर भिखारी ठाकुर को गुगा तो सिर्फ बिहार की बात नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक रिकॉर्ड है कौन गाते 115 साल के कोई गायक जिसमें आवाज़ में दम हो सकता है तो राम आज्ञा राम जी मैं तो चाहूंगी कभी आ, वो आए थे हालांकि दिल्ली में लेकिन आ, उनको वो सम्मान लेकिन नहीं मिला उसका मुझे दुख है बहुत दुख है मैं बिहार सरकार खासकर से आई डोंट नो मैं गुहारी लगा सकती हूँ और हालांकि मुझे भी शायद कोशिश करना चाहिए आ, जो पॉलिटिकली भी लोगों से मिलना चाहिए उनके मैम यहाँ लोग मैं 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 करते हैं और आप यहाँ दूसरे के लिए सोच रही हैं दूसरे नहीं है ना वो मैं देखिए मैं समझती हूँ अगर आप भोजपुरी के लिए बात कर रहे हैं मैं अगर काम कर रही हूँ कोई और हीरो है कोई हम आपस में एक ही है हम अलग तो है नहीं आप और मैं अलग कैसे हो गए हमारे जो कॉमन बात है जो मेन अंदर जो जो पीड़ा है जो खुशी है हर्ष विषाद जो भी है वो भोजपुरी है तो हम लोग अलग कैसे हो गए पहले तो ये गलत फहमी है कि अगर सोच रहे हैं कि मैं मैं वो मैं मैं भी हम हम हैं इंडस्ट्री में तो ऐसा ही देखने के लिए मिलता है कि बस मेरा हो जाए मेरा हो जाए वो नादान है और शिक्षा की कमी है मैं तो इतना ही कहूँगी वो नादान है